Ramar, mare, mare bobo. Bye. Ibu, bed na ha. नहीं तो नहीं तो सब छोड़ने के लिए आता ना। हाँ। मुझे अब इमरजेंसी काम है बढ़ा रही इसलिए जो है। हेलो माय ट्यू फैमिली, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और पहला तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9:30 बजे से और मैं भी रेडी हो गई हूँ अपने ससुराल जाने के लिए। पूरे 11 दिन में मायके में रही इस बार, तो अपना जाने में भी बुरा लग रहा है लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा। लड़कियों को ना अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, कितने दिन भी रहो मायके में जाना तो ससुराल ही पड़ता है। और मैं आ रही हूँ अपनी चाची और अम्मा से मिलने के लिए। चाची तो खेत चले गए घास काटने के लिए, अम्मा ही अम्मा है घर पे। अम्मा रही ये फोन करी। हाँ ना ना ये बात करी ये बाल होते मगर अपने ना बामन तो घर जिधर दे रहा था ख्याल करे ना 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 ये पर जा जा रही ना अमूल के ख्याल करे ना ने मैंने ख्याल करी फोन करी। ठीक है फिर अम्मा। क्या रोए अम्मा आधा खाने ले आया जिंदगी बोले ठीक है फिर अपना ख्याल जाओगे ना ना ये बात होते मर मर रही मर बोबो मर रही ये बात करी नाना ये बात करी। ठीक है फिर अपना ख्याल भी रखना, इधर उधर मत जाना, ओ पठाक मत जाना, ये तो घूम के आना, ये तो जाने का ना जाने का क्या काम है ना खान में। ठीक है वो खाना पवन तो अम्मा से भी मिलके आ गई हूँ और सच में ना इस बार ना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है जाने में। बैठना हाँ नहीं तो ठीक है फिर अपना ख्याल रखना। हाँ अभी आना था अगर भेजेंगे तो नहीं तो हाँ हाँ बाय बोल बाय को बाय। अब आऊंगा ना बुआ मैं बाय बाय ओके आना हाँ हल्द्वानी आना हाँ मैं घूमे करने आऊंगा, मैं हल्द्वानी घूमूंगा फिरूंगा आप घूमाओगे मेरे को। अपना ख्याल रखना हाँ पढ़ाई करना ठीक है मम्मी को कहना मानना ना ना तो यहाँ बाय मेको। तो हमारी नीलू भी होगी है रेडी हमको पहुँचाने के लिए और ये रही भूमि। जीते रहो जल्दी आना हाँ, अब बर्थडे में आएंगे ठीक है। पकड़ ना अभी क्या भूमि बाय 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 बुआ को बोलो बाय बोलो बाय नमो बाय नमो बाय। तो मैं भी पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल वाले रोड पे और मुझे छोड़ने के लिए आए थे पापा दोनों भाई। ठीक है ठीक है फिर ठीक है बाय। घर तक छोड़ने के लिए आता ना। हाँ। मुझे अब इमरजेंसी काम है बढ़ा रही इसलिए जो है यहीं तक तो बहुत हुआ अगले बाहर आएंगे। हाँ
पापा और भाई ना हमें छोड़ने के लिए यहीं तक आ रखे थे, क्योंकि पापा को ना भराड़ी में काम था, इसी बस ना पापा जल्दी चले गए, नहीं तो घर तक आ जाते हमें छोड़ने के लिए। फिलहाल हम भी चल देते हैं क्योंकि गर्मी भी हो रही है और हमें ना पैदल पैदल बहुत चलना है यहाँ से, वो भी इतनी चराई में। हम भी ना चलते हैं क्योंकि धूप तेज पड़ेगी तो गर्मी भी होगी, वैसे ना गर्मी तो होने लगी है, फिर 12-1 बजे के टाइम में तो और ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो टाइम से ना घर पहुंच जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो जैसे ही हम घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, यहाँ पीछे से ना बहुत सारा कूड़ा दिखा, और ये कूड़ा गांव के लड़के ही कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियाँ या बुजुर्ग तो ऐसा काम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ना बियर की बोतल है, इंग्लिश बियर और हिंदी बियर दोनों बियर की बोतल यहाँ पर फेंकी हुई है, आधी इस साइड आधी इस साइड, और पूरा पूरी रोड के साइड में ना बियर की बोतल दिखाई दे रही है ज्यादातर। तो इस ब्लॉग में अगर वो लोग देख रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि हमने ये काम करा है, तो ये काम बिल्कुल ना करें, पर्यावरण के खिलाफ है ये। और सरकार ने आजकल हर जगह कूड़ेदान की सुविधा कर रखी है, आप वहाँ जाकर भी फेंक सकते हैं, ऐसे सड़कों पे या कहीं किनारों पर मत फेंकिए। ऐसे भी इन चीज़ों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर आपने कर भी लिया तो प्लीज अगर कूड़ा मत कर लाइए, या तो अपने घर पे इसको ले जाइए या तो कूड़ेदान में डाल दीजिए। हम भी चलते हैं घर में, घर में लोग वेट कर रहे होंगे। चलो और एक बार फिर बोल रही हूँ कि ऐसा काम बिल्कुल ना करें। चलो लोगो चलते जाओ चलते जाओ चल जाओ। तो गाइस आज से मन तो भारी हो रहा है, मैं पार्क से नहीं जाऊंगा। मुझे ना चढ़ाई चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ना बचपन से याद नहीं है मुझे चढ़ाई चढ़ने की, तो मायका भी ना रोड में ही है, और जहाँ तक रही हूँ अभी तो मैं रोड की साइड पे ही रही हूँ, बस ससुराल में ही है खड़ी चढ़ाई, वो भी तो क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही ना, और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है और सांसें भी फूल रही है मेरी। हम लोग भी पहुंच चुके हैं रोड में से ऊपर धार में, और यहाँ से ना हमारा घर नज़दीकी है, क्योंकि अब यहाँ से ना तिरछा रास्ता है, तो यहाँ से ना उतनी थकान नहीं होती है, रोड से यहाँ आने तक ना पसीने छूट जाते हैं, और मेरी तो ना हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, तो यहाँ पे ना हम थोड़ा सा रेस्ट करें क्योंकि गर्मी भी हो रही है और थकान भी हो गई है, तो यहाँ पर ना हम कोक पी रहे थे, और कोक पी के ना थोड़ा सा राहत मिल गया, तो हम आ रखे हैं ओ नीचे से ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ से यहाँ। हम लोगों ने ना थोड़ा सा रेस्ट कर लिया यहाँ पर भी, और कोक भी पी लिया है, तो थोड़ा सा ना राहत मिल गई है, और अब चलते हैं। और मेरी ना अब ब्लॉग थोड़ा सा लेट से आएंगे, क्योंकि हमारे गाँव में ना नेटवर्क की सुविधा नहीं है, तो जब भी ना थोड़े से नेट चलेंगे तेज तेज तभी डालने की कोशिश करूँगे, नहीं तो फिर हल्द्वानी जाके देखने को मिलेंगे मेरे गांव वाले ब्लॉग। तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं कि घर वाले क्या कर रहे हैं। अपने गांव में पहुँचने ही वाले हैं, ये सामने रहा हमारा खूबसूरत सा गांव। आते आते हमें बहुत पानी प्यास लगी थी, तो हमें यहाँ पर नल में डूब गया है और हम पानी पी लेते हैं, जिसका पानी ना सेम धारा जैसा है। तो अभी समय है शाम के 4:30 बजे का, और मायके से आने के बाद ना मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, घर आने के बाद ना खाना वाना खाया, इसके बाद थोड़ा सा आराम किया, और अभी हम लोग आ रहे हैं खेत में, मेरी मौसी देवरानी और गुंजन और मेरी मौसी की लड़की आ रही है, और यहाँ पे ना मडुआ बो रखा है, तो मडुए की गुड़ाई हो रही है, दिख तो कुछ नहीं रहा है मडुआ बोया, तो एक नाम का ही बो रखा है, देख रही हो आपकी खेती कुछ नहीं हो रखी है मडुए की। अभी ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसमें ना मेरी नॉइज नहीं आ रही होगी, उसको इग्नोर करना। तो हम लोगों ने ना आधा खेत गोड़ दिया है, और अब ना मौसम एकदम बदलने लग गया है, बारिश होने लगी है, दो खेत मडुए के गोड़ने के बाद अभी हम आ रखे हैं धान के खेत में, और धान का खेत है चाची का, और इस खेत में हो रखा है बहुत ज्यादा झाड़, इधर झाड़ रही हो खेत में, हाँ, तो झाड़ी झाड़ है, तो धान को ना बारीकी से गोड़ा जाता है, क्योंकि फिर दोबारा भी आ जाता है ना झाड़। तो ये रही मेरी देवरानी,
और ये अभी आराम कर रहे हैं। देवरानी से ना आप आज ही मिल रहे होंगे, वैसे मेरे दो देवरानी हैं, एक है मेरी देवरानी जो खेत में है और ये है पिंकी, ये भी मेरी देवरानी है। और अभी हम ना दोनों घर जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो घर जाने के बाद ही बहुत सारा काम है, खाना पीना बच्चों को देखना, इसलिए हम लोग ना आगे आगे जा रहे हैं। ये रही मेरी नानी, अभी बारिश आने का टाइम है, कितने दूर अरे बोलने के लिए, अभी जो अभी मेरी नातनी घर आई थी अब मैंने जाना था, मैं गोड़ के आ गई, मैं भी चार खेत खत्म करके आई। बाप रे, हाँ तो अब मैं क्या करूँ, पहला आप घर चलो, नहीं तो तो मैं भी पहुंच चुकी हूँ खेत से घर, और बाहर ना हल्की बूंदाबांदी हो रही है और साथ में ना गर्म भी हो रहा है, मेरे फेस पे दिख रहा होगा आपको पसीना कि कितना गर्म हो रहा है करके। आज ना इस ब्लॉग में मैं अपने परिवार वालों से नहीं मिला पाई आप लोगों को, उसके रियली सॉरी, क्योंकि सब लोग ना शाम को इधर उधर चले गए थे, तो इस वजह से ना मैं आप लोगों को अपने परिवार से नहीं मिला पाई। और यहाँ पे लोग तो देख रहे हैं अभी टीवी, खाने पीने की तैयारी भी करती हूँ और इस ब्लॉग को भी ना यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए, अगर ब्लॉग पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देव उत्तराखंड और बाय।